हाँ जी वीरों, की हाल चाल, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट गाइस, महिंद्रा एक्सयूवी 300 से रिलेटेड है, लाइक जिसकी हम हमेशा बहुत बार बात कर चुके हैं अपनी वीडियोस में भी, पुरानी वीडियोस में भी, एंड आज भी जिसकी बात करने वाले गाइस वो है महिंद्रा एक्सयूवी 300 के जो टॉप एंड वेरियंट में जो टायर साइज आते हैं। सो अभी एक और अपडेट महिंद्रा ने किया है अपनी एक्सयूवी 300 के साथ। जैसे कि हमें पता है कि महिंद्रा एक्सयूवी 300 के साथ बहुत सारे कॉस्ट कटिंग की जा रही है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं और फीचर्स कम होते जा रहे हैं, चाहे वो आर्म रेस्ट की बात करें या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, या पीछे जो एलईडी जो उसके टेल लैम्प होते थे मैं उसकी बात करूं चाहे, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे फीचर्स थे जो कि हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि वो एक्सयूवी 300 से रिमूव होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्राइस के साथ जो है प्लस माइनस कर रही है महिंद्रा। सो अभी एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जो इसके टायर साइज आते थे टॉप मॉडल में 215/55/R17, सो अभी रिसेंट अपडेट अभी आया है गाइस, जिसमें कि महिंद्रा ने उन टायर साइज को जो है 16 इंच कर दिया है। सो अभी आप देखोगे जो भी अभी मार्केट में कार आएंगे एक्सयूवी 300 स्पेशली टॉप मॉडल W8 एंड W8 ऑप्शनल, एंड सेम चीज मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की थी, आई जस्ट चेक ऑन ट्विटर, आई जस्ट चेक ऑन द इंस्टाग्राम अकाउंट कि कहीं पे उन्होंने अपडेट किया हो, बट वहां पे अपडेट नहीं किया, बट उन्होंने इस चीज को अपडेट कर दिया है गाइस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि जो वहां पे स्पेसिफिकेशंस डालते हैं वहां पे उन्होंने डीजल में वेरिएंट जो स्पेशली W8 एंड W8 ऑप्शनल है वहां पे मेंशन कर दिया है 205/65/R16 अलॉय व्हील्स एंड 205/65/R16 स्टील व्हील्स फॉर W4 एंड W6। तो ये ऑफिशियली भी कंफर्म हो गया कि महिंद्रा भी ये करने वाली है, और बाकी ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हो ये जो है ऑफिशियल एक ब्राउजर टाइप से है जो कि डीलर्स के पास अभी अवेलेबल है। इसमें इस तरह के जो है अलॉय व्हील्स देख रहे हो, डायमंड कट अलॉय व्हील्स 16 इंच, आपको अब ऐसे अलॉय व्हील्स मिलेंगे इसके टॉप मॉडल W8 एंड ऑप्शनल में। सो विच इज लुकिंग अगेन प्रीमियम लग रहे हैं, स्टाइलिश लग रहे हैं, बट अलॉयस का साइज जो है 1 इंच छोटा कर दिया है। सो आई मस्ट से यार एक तरह से आप देखोगे तो अच्छा स्टेप भी है, बिकॉज क्या है कि अभी जो प्रोफाइल अभी महिंद्रा देगी 205/65/R16, तो ये प्रोफाइल एक आइडियल प्रोफाइल है गाइज, आप ऑफ रोडिंग में चलाइए इसको, हाईवे पे चलाइए या रफ रोड में चलाइए, तो ये कार आपको अच्छा परफॉर्म करके देगी, दैट इज फॉर श्योर 100%। एंड जो पुराने वाला जो प्रोफाइल था यार उसमें कहीं ना कहीं अपने को बैक ऑफ द माइंड एक थोड़ा डाउट भी रहता था कि यार हाई स्पीड पे अगर कोई ऐसा पॉट होल रोड के ऊपर आ गया और कार उसके अंदर हाई स्पीड से चली गई तो टायर क्रैक हो सकता है, अलॉय क्रैक हो सकता है कहीं से, तो वो भी थोड़ा डर रहता था, बट अभी आई मस्ट से कि ये जो है परफेक्ट टायर साइज हो सकता है। एंड बाकी आप देखोगे ये चीज हम हमेशा अपनी वीडियो में बोलते थे कि महिंद्रा इज द ओनली ब्रांड जो कि पर्टिकुलर सब 4 मीटर का जो सेगमेंट है उसकी ये कार एक्सयूवी 300 जो है 17 इंच टायर के साथ में आ रही थी, और कोई भी कार सब 4 मीटर सेगमेंट में आपको 17 इंच के साथ नहीं मिलेगी। इवन बाकी बहुत सारी कार हैं जो कि बेस मॉडल में 15 इंच एंड टॉप मॉडल में 16 इंच आती है, इन केस ऑफ महिंद्रा एक्सयूवी 300 बेस मॉडल में 16 इंच देते थे, टॉप मॉडल में जो है 17 इंच देते थे। तो ये भी एक चीज थी जो हम बोलते थे कि महिंद्रा आउट ऑफ द बॉक्स कर रहा है जो कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे हैं, बट अभी जो है बेस मॉडल में भी आपको 16 इंच मिलेंगे एंड टॉप मॉडल में भी 16 इंच ही मिलेंगे। आप देखोगे जो मार्केट में ट्रेंड है या बाकी कार्स जो दे रही है कॉम्पिटिटर जो दे रहे हैं आपको, सो उसके हिसाब से देखोगे तो ये सही है, कहीं पे भी मेरे को इसमें गलत डिसीजन नहीं लगा है, और एक्चुअल में यही प्रोफाइल होना चाहिए आपकी कार का। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप रफ रोड में चला रहे हैं, हाईवे पे चला रहे हैं या ऑफ रोड का भी ट्राई कर रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हो, और आपको कोई डरने की जरूरत नहीं कि आपका टायर क्रैक होगा, फटेगा, अलॉय टूटने वाला, कुछ नहीं, आप उसको बेधड़क आराम से चला सकते हो। सो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा डिसीजन भी है, बट आप ये चीज देखनी है कि यार 17 इंच से 16 पे आने के बाद क्या कॉस्ट में रिडक्शन करेगी महिंद्रा, या सेम कॉस्टिंग रखने वाली है या कॉस्ट बढ़ाने वाली है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट गाइज कि टायर साइज 17 से 16 पे आने के बाद अब ये देखना है कि क्या महिंद्रा कॉस्ट रिडक्शन करेगी अपने प्राइसेस में या इंक्रीज करेगी। आइडियली देखा जाए तो यार 17 इंच से 16 इंच पे आए हैं और टायर साइज भी जो है 17 से 16 हो गया, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए, और अगर कॉस्ट रिडक्शन होता है तो ये टॉप मॉडल के हिसाब से जो लोग टॉप मॉडल खरीदने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा पॉइंट भी हो सकता है कि उनका जो टॉप मॉडल का कॉस्ट थोड़ी कम हो गई है और प्राइस थोड़े और ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे एज कम्पेयर टू मार्केट। एंड तो ये थी गाइस एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है,
और एक बार आपको प्रैक्टिकली भी दिखाना चाहता हूँ गाइस कि प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस आएगा। सो मैं एक बार आपको अपनी कार में भी दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि 17 इंच और 16 इंच दोनों की जो प्रोफाइल आती थी उस प्रोफाइल में कितना डिफरेंस है और उसका क्या नुकसान हो सकता है। अभी ये देखो गाइस जो मेरी कार में जो अभी लगे हुए हैं ये मैंने ऑलरेडी जो है अपग्रेड कराए हुए हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरे दिमाग में भी यार कहीं ना कहीं टेंशन हमेशा रहती थी कि 215 55 8 17 लाइक 55 इंच का जो प्रोफाइल था आप देखेंगे तो वो बहुत ही कहीं ना कहीं कम लगता था। तो मेरे को भी दिमाग में जो है मेरे दिमाग में हमेशा टेंशन रहती थी कि यार मैं हाई स्पीड पे चलाता हूँ अगर हाईवेज पे तो कभी ऐसा ना हो कि यार टायर अगर कहीं पॉट होल्स में जाए तो कहीं अलॉय वगैरह क्रैक होने का डर लगा रहता था। बट अभी आप देखोगे तो मैंने इसीलिए इसको अपग्रेड कराया था। अभी साइज आप देख रहे हो ये क्रेटा वाला साइज है 215 60 8 17। आप 55 से मैंने इसको 60 कराया था इसीलिए कि एटलीस्ट जो प्रोफाइल है इसका थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए और कहीं ना कहीं जो मेरे माइंड में दिमाग में जो एक थोड़ा सा डाउट है डर लगा रहता था हाई स्पीड पे चलाने में तो वो अब मेरे दिमाग में नहीं आता है। और मैं इन टायर्स के साथ में ले लद्दाख वगैरह पूरा हर जगह लेके गया कार, कहीं भी मेरे को कुछ भी जरा सा भी डाउट नहीं हुआ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने गाड़ी वहां पे चलाई थी। आप देखोगे कभी कभी तो ऐसा लगता था बिकॉज ऑफ इंजन का पूरा लोड यहाँ पे रहता है फ्रंट टायर्स के ऊपर तो कभी कभी तो ऐसा लगता था कि टायर में हवा नहीं है हवा कम हो गई है बिकॉज आप देखोगे तो ये जो प्रोफाइल है बहुत ही कम हो जाता था। बट अभी जो है ये प्रोफाइल ठीक ठाक है। बट अभी जो नए टायर महिंद्रा आपको देगी 205 65 R 16 तो 205 होने की वजह से क्या होगा टायर का जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम हो जाएगी चौड़ाई बट प्रोफाइल इंक्रीज हो जाएगी। तो हो सकता है कि जो लुक वाइज हम बात करते हैं जो रोड प्रेजेंस की हम बात करते थे बिकॉज ऑफ चौड़ा टायर वहां पे कहीं ना कहीं हमें देखने से लगे कि नहीं यार जो 215 टायर है थोड़ा चौड़ा होता था तो रोड प्रेजेंस गाड़ी की अच्छी लगती थी। बट 215 से 205 थोड़ा सा जो है 10 mm का डिफरेंस आएगा तो हो सकता है कि आपको लगे कि रोड प्रेजेंस या जो लुक में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है गाड़ी के जो बोल्ड अपीलिंग लुक इसका आता था वहां पे आपको शायद लगे कि नहीं यार थोड़ा सा गाड़ी का जो है टायर की वजह से लुक थोड़ा चेंज हो गया। अदरवाइज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे रफ रोड पे गाड़ी चलाने के हिसाब से देखोगे तो परफेक्ट है भाई, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी गाइस गाड़ी एक बार शोरूम में आ जाएगी तो एक बार प्रैक्टिकली भी उसको चला के देख लेंगे कि क्या जो है ड्राइविंग डायनामिक्स में उसमें फर्क पड़ा है इन टायर साइज के साथ में और क्या प्रैक्टिकलिटी है और कंपेयरिंग टू यू नो ओल्डर वर्जन और नए वाले वर्जन में कितना डिफरेंस आ रहा है ड्राइविंग डायनामिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपसे शेयर करेंगे जब गाड़ी शोरूम्स में आ जाएगी बिकॉज अभी तो शोरूम्स में नहीं आई है बिकॉज रिसेंट अपडेट अभी हमें मिली है इस चीज के बारे में। सो आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन और जल्दी मिलते हैं आपसे जब गाड़ी शोरूम आएगी उसके बाद आपको ड्राइविंग रिव्यू करके दिखाएंगे। सो बाकी वीडियो में भाई अभी यहीं पे खत्म करते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड सेफ, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।